हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल सरसों के मसाले वाली भिंडी आलू की सब्ज़ी। तो मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। यहाँ मैंने भिंडी कट कर लिया है, बीच में से ये चार इसको मैंने काटा है ऐसे एक तरफ से फिर एक तरफ से। और मसाले में यहाँ पे मेरे पास सरसों है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है और मैं इसमें डालूँगी मेन इंग्रेडिएंट हमारा यहाँ पे लहसुन है। लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में, तो आप लहसुन ज़रूर डालें सरसों के मसाले वाली सब्ज़ी में। और यहाँ पे मेरे पास एक टमाटर है। आलू देखिए मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है, ये अच्छा लगता है ऐसे ही। तो जब मेरा आलू एकदम रेडिश हो गया है तब मैंने उसे निकाल लिया और अब मैंने यहाँ पर भिंडी भी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए भिंडी और आलू कितना क्रिस्पी और रेड रेड है, कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में। सब्ज़ी तो और मज़ेदार बनेगी दोस्तों, अभी आगे देखते रहिए। तो अभी सरसों का तेल मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है और मैंने इसमें पीले सरसों का ही तड़का दिया है और ये मसाला मैंने पेस्ट बना लिया है जो मैंने आपसे शेयर किया था। तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और मैं इसमें जब तक इससे तेल रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक मैं इसे भूनूँगी। तो ये देखिए मसाला मेरा अच्छे से तेल छोड़ दिया था, तो मैंने इसमें अब पानी डाल दिया। मैं इसमें ड्राई पाउडर्स डालती हूँ अपने, तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है, अब लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, जो भी बेसिक मसाले होते हैं मैं इसमें सब डालूँगी। उसके बाद हमें इसे भुनना है थोड़ी देर तक। और आप चाहें तो इसमें अलग कोई और भी मसाला अगर आप यूज़ करना चाहते हैं जैसे गरम मसाला वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए मैंने कसूरी मेथी को हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है, जब ये बन जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी। मसाला अच्छे से भुन गया था तो मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है। भिंडी मैं बाद में डालूँगी क्योंकि भिंडी बहुत कम समय में ही पक जाएगा, लेकिन आलू को टाइम लगेगा पकने में। तो मैंने यहाँ डाल दिया है आलू, यहाँ तब तक सब्ज़ी बन रही तब तक मैं अपनी गरम गरम रोटी भी बना लेती हूँ। खाना गरम खाने में ही अच्छा लगता है और टेस्ट कुछ अलग ही आता है गरम खाने का। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी मेरी, अब देखिए तेल हल्का हल्का इसमें से बाहर आ गया है तो मैंने भिंडी भी डाल दिया है। आलू हल्का पक गया था तो मैंने भिंडी भी डाल दिया है, दोनों सब्ज़ियाँ अब साथ में पक जाएंगी। हमें इसे 5-7 मिनट ढक के और पकाना है, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ पकने के लिए। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट अब बनने ही वाली है, मैं इसे 1-2 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी। देखिए सब्ज़ी हमारी अब बन के बिल्कुल तैयार है और मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दिया है। ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में ये सब्ज़ी। और इसको मैं सर्व कर रही हूँ रोटी और चावल से। तो यही आज का छोटा सा ब्लॉग था दोस्तों, सरसों की भिंडी वाली सब्ज़ी। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक